यूपी एटीएस ने मुंबई से गोंडा के रहने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में असदाम शेख, मोहम्मद रईस और सलमान सिद्दीकी पर आरोप है कि ये तीनों आतंकी संगठनों के लिए स्लीपर मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे। मुंबई से गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने तीनों अभियुक्तों से जुड़े और साक्ष्यों को जुटाने के लिए गोंडा में छापेमारी की। तीनों अभियुक्तों के परिवारों के सदस्यों से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई को भी एटीएस ने गोंडा में दस्तक दी और इस बार अपने साथ सद्दाम शेख को भी लेकर आई। एटीएस सद्दाम शेख को पहले करणपुर गांव ले गई, जहां पर सद्दाम शेख की पत्नी रुबीना ने पहचान की। परिवार और गांव के अन्य लोगों से भी एटीएस ने जानकारी ली। इसके बाद सद्दाम को लेकर एटीएस पास के भारतीय स्टेट बैंक गई, जहां बैंक खाते के लेन देन के बारे में जाना। उसके बाद सद्दाम को लेकर एटीएस तरबगंज थाने के बरसेड़ी गांव भी गई। वहां उसका पुराना घर दिखाया गया। सद्दाम ने कबूला कि वो यहीं पर रहता था और धर्म परिवर्तन से पहले उसका नाम रंजीत सिंह था। गांव के लोगों से एटीएस ने बातचीत की, मगर कोई भी सद्दाम के बारे में कुछ खास बता नहीं सका। एटीएस लगभग 3 घंटों तक गोंडा में रही। एटीएस की जांच में पता चला कि सद्दाम शेख ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। सईदा मरियम सईदा माहिरा नाम के अकाउंट को हैंडल कर सद्दाम जेहादी सामग्री पोस्ट करता था और आतंकियों से संपर्क करने का प्रयास करता था। सद्दाम ने आईएमओ पर भी अपना अकाउंट बना रखा था, जिसे वो हिजबुल मुजाहिदीन सद्दाम नाम से चला रहा था। एक अन्य गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद रईस ने भी एटीएस की पूछताछ में कबूला है कि वो मुंबई में अरमान अली सयाद के संपर्क में आया, जिसने उसे देश में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म, बाबरी मस्जिद शहादत का जिक्र कर बरगलाया और आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। साथ ही अरमान अली ने उसके दोस्तों को भी देश विरोधी कार्य में शामिल कराया। रईस मुंबई के जोगेश्वरी में रहकर रंगाई पुताई का काम करता था। गोंडा के तरबगंज के दीनपुरवा के रहने वाला मोहम्मद रईस का परिवार सदमे में है। मोहम्मद रईस की मां को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनका बेटा देश विरोधी कार्य कर सकता है। मोहम्मद रईस की मां सहमी रहती है और हर मिलने वाले शख्स से डरी रहती है। लोग उससे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। रईस की मां का कहना है कि अगर उनके बेटे ने देश के खिलाफ काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मुलाकात भवा है, ना उसे बात भवा है, और हमारे फिर माझी लड़का गवा तो उसे ना फिर बात भवा है ना मुलाकात भवा है। जौने दिन हमारा लड़का हुआ लखनऊ पहुंचा है संध्या का वही 9-10 के करीब मई है, तब खाली हमसे ये बद्दू बात की नहीं कि अम्मा खायो, तो हम कहें कि हाँ भैया हम खाएं, कहें अम्मा घबराओ ना हम सवेरे आए, बस इतना ही बात भवा है। और वही दिन से कोई बात भैया ना ही भवा। आपको के बेटे पर जो आरोप लगा है, हाँ। आपको क्या लगता है वो आरोप सही है? अब वो हमारे तरफ से तो लागत है, हमारे देखन में लड़का भैया सही रहा। बचपन से ऐसी कोई बात रही हो? बचपन से कोई बात नहीं रही। गोंडा का रहने वाला तीसरा आरोपी सलमान सिद्दीकी का परिवार वजीरगंज क्षेत्र धनेश्वर पुत्र दुआवा में रहता है। सलमान के पिता ने बताया कि सलमान की गिरफ्तारी की खबर उनके परिवार को मुंबई से फोन पर उनके भाई ने दी। सलमान के पिता मुंबई में रहकर चूड़ी बेचने का काम करते हैं और सलमान मजदूरी करता था। कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, न मुझे मालूम था जी। हाँ, हमें कोई पता नहीं था। जैसे बम्बई का है, रहने वाला है एक रईस, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, तो कभी रईस से उसकी मुलाकात कोई बात? अब मेरे सामने तो मुलाकात नहीं हो रही थी जी। अब कभी कदार जैसे काम वाम करने जाते थे तो मिलते जुलते थे ऐसा, और हमारे तो कोई संबंध नहीं था उससे। तो जो आरोप लगा है आपके बेटे पे जी, तो आपका क्या मानना है? अब मानता हूँ यही कि जैसे कि अगर गलत किया है तो गलत वो अपना सजा भोगेगा, सजा दिया जाएगा, और अगर गलत नहीं है भाई तो वो फैसला। एटीएस ने सलमान सिद्दीकी के बारे में खुलासा किया कि उसने अरमान और रईस के कहने पर देश विरोधी कार्य किया है, उसने देश विरोधी कामों के लिए पैसों का लेन देन किया। बहरहाल परिवार के सदस्य इस खुलासे से हैरान हैं। उनका कहना है कि सलमान ने अपनी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कभी भी पता नहीं चलने दिया, और अगर ऐसा सच है तो जो भी कार्रवाई होगी वो हमें मंजूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।